खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में दावेदारी पेश करने वाले उम्मीदवारों ने वोट के लिए घर घर जाकर दस्तक देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में धूलकोट में भी जबरदस्त प्रचार उस समय देखा गया जब प्रत्याशी के साथ गांव के सैकड़ों लोग रैली में शामिल हो गए। हम आपको बता दें कि धूलकोट पंचायत के अंतर्गत सरपंच पद के लिए 11 उम्मीदवार दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी बीच सैकड़ों की तादाद में प्रत्याशी के साथ भीड़ उम्मीदवार के जीत का दावा पेश कर रही। चुनावी नतीजों के बाद ही शक्ति प्रदर्शन की सतर्कता जाहिर हो पाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम जनता के बीच इसलिए आए हैं, हम जनता को जिताना चाहते हैं। हमारा हक अधिकार, हम जनता को जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हम धरातल पर लाना चाहते हैं, और हमारे जो गरीब वंचित पिछड़ा तो मजदूर सभी लोगों को हम एक वर्ग में लाने के लिए और एक सूत्र में बांधने के लिए हम समाज को आगे लाना चाहते हैं। और हमारे समाज में जो योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित की जाती है हम उसको सुचारू रूप से जनता के बीच में उतारे, इसलिए हम आज चुनाव सरपंच पद प्रत्याशी के रूप में आज हम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ घर घर पैदल मार्च कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।